हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज है मेरे पास ये खाली कैन, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके बॉटम पार्ट को बहुत ही केयरफुली किसी नाइफ के हेल्प से कट कर लेना है। इसी तरह से इसके टॉप पार्ट को भी निकाल लेना है। उसके बाद हमने हैमरिंग करके इसके बॉटम पार्ट को इस तरह से बहुत अच्छे से सील कर देना है। मैं यहाँ पर इसको डबल लेयरिंग करके सील कर रही हूँ इस तरह से। अब हमने यहाँ पर दो होल्स करने हैं, जिनको परफेक्टली करने के लिए हम पहले से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर होल्स को इजीली करने के लिए मैं पहले निडल और फिर सिजर्स की हेल्प ले रही हूँ। इसके बाद हमने अपने कैन को एक वायर से हैंग करना है, तो मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम की वायर पड़ी है, मैं ये यूज कर रही हूँ। तो अब इसमें से मैंने थोड़ी सी वायर कट कर ली है और इसको मैं एक शेप दे रही हूँ। मैं प्लायर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं फील करती, तो मैं ये हैंड से ही कर रही हूँ। आप इसको शेप प्लायर से या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हों वैसे दे सकते हैं। तो हमारे वायर की शेप अब रेडी है और इसके साथ हम यूज कर रहे हैं दो बीड्स भी। इसके बाद मैं अपने ये बीड्स वायर में पिरो दूंगी और उसके बाद इसको हम फिक्स करेंगे अपने कैन में। ओके, तो अब ये रेडी है और अब आता है हमारा फेवरेट पार्ट, जो कि है पेंट। यहाँ पहले हम इसे एक बेस कलर देंगे और फिर इसके ऊपर हम करेंगे एक अपना मेन कलर। पेंट के बाद हमें इस पर डिटेल्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स के डिटेल्स ऐड कर रही हूँ लीव्स के साथ। अब मेरे पास ये छोटी सी वाइट लेस पड़ी हुई थी, तो इसको हम यूज कर सकते हैं इस कैन के बॉटम पार्ट में। एंटरा, हमारा DIY प्लांटर रेडी है। आपको आज का ये DIY कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो फिर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।